नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ताज़ा होले विद रिया के एक और एपिसोड में। आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। गूगल में नौकरी पाना आसान बात नहीं होती। जो लोग भी गूगल में नौकरी करते हैं उन्हें हम किस्मत वाला कहते हैं। ऐसे में आज हम एक लड़के की कहानी सुनाएंगे जिसने गूगल में नौकरी पाई और नौकरी छोड़ भी दी। नौकरी छोड़ने का रीज़न था क्योंकि उन्हें समोसा बेचना था, और अपने इस काम में इस लड़के ने इतनी सफलता पाई कि इनकी चर्चा बॉलीवुड तक में होने लगी। आज हम आपको कहानी सुना रहे हैं मुनाफ कपाड़िया की, जिसने बोहरी किचन की शुरुआत कर लोगों को खाना खिलाने का काम शुरू किया, और जिसके बाद उनके फैंस बड़े बड़े लोग हो गए और बॉलीवुड तक उनकी चर्चा होने लगी। बातचीत के दौरान मुनाफ ने बताया कि उन्होंने इसकी शुरुआत अपने बर्थडे से की थी। अपने बर्थडे पार्टी पर उन्होंने अपने दोस्तों को इनवाइट किया। दोस्त आए, उन्होंने खाना खाया और उनकी माँ के हाथ का बना खाना खाकर वो अलग ही फील कर रहे थे, खाने को भुला नहीं पा रहे थे। ऐसे में ये चीज़ें हिट कर गई कपाड़िया को। उसके बाद अपनी माँ नफीसा को खाना बनाने के लिए और भी वो कहने लगे। शुरुआत में उन्होंने अपने और भी दोस्तों को बुलाना शुरू किया, लेकिन आपको प्रॉपरली बताते हैं कि इनके दिमाग में ये सब कुछ और डिटेल में कैसे आया। दरअसल ये बोहरी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, और तब इन्होंने ये चीज़ें नोटिस की कि जो चीज़ें इनके घर पर बनती है और जिस तरीके का खाना ये खाते हैं ये बाहर मार्केट में नहीं मिलता। जैसे कि स्मोक्ड चिकन, नली नहरी, काजू चिकन, ये चीज़ें थी जिससे इस खाने को बाकी से अलग किया है, जिसने इस खाने को बाकी खानों से अलग किया है, और ये खाने मार्केट्स में नहीं मिलते थे। जिसके बाद इनके दिमाग में ये आया कि क्यों ना ये सारी चीज़ें ही की जाए। तो पहले उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो गूगल में नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद जब रफ्तार पकड़ने लगा बिजनेस, तो दोस्तों से तारीफ मिलने के बाद मुनाफ ने अपने घर पर डाइनिंग एक्सपीरियंस की शुरुआत की। उन्होंने घर पर होटल सरीखा एक्सपीरियंस देने के लिए कुछ दोस्तों को मेल्स भेजे, इनवाइट्स किए। उसके बाद देखते ही देखते कुछ ही घंटों में इन्हें कॉल्स आने लगे, और फिर इनके दोस्त आने लगे, खाना खाने लगे। सबको बहुत पसंद आ रहा था, रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे, और देखते ही देखते काफ़ी पॉपुलर हो गया इनका यह बिज़नेस। मतलब इन्होंने शुरुआत की अपने घर पर ही। ये हर वीक एक दिन डाइनिंग एक्सपीरियंस के लिए लोग आते थे, बुलाते थे, और हर व्यक्ति की जो मतलब प्राइस होती है, हर व्यक्ति जो भी मील खाएगा वो 1500 to 2000 रुपीज़ प्राइस होता था, और वीक में केवल एक दिन ही ये ऐसा करते थे। और इसके पीछे रीज़न ये था कि ये चाहते थे कि घर में इन्हें लोगों को वो एक्सपीरियंस दिलाएं, मतलब घर वाले खाने का एक्सपीरियंस ये दिलाना चाहते थे विथ आउटसाइड टेस्ट, क्योंकि इनके खाने का जो टेस्ट रहता था वो बिल्कुल मार्केट जैसा होता था, लेकिन इन्हें वातावरण जो देना था वो घर वाली फीलिंग देनी थी, और इसीलिए इन्होंने अपने घर से ही इसकी शुरुआत की। देखते देखते इन्होंने 2 आउटलेट खोले, 3 आउटलेट खोले, 4-5 आउटलेट्स खोल दिए विभिन्न शहरों में। कई स्टाफ्स को भी रखा जिन्हें खुद ही इनकी माँ ट्रेनिंग देती थी, और इनके माँ के हाथ के खाने ने ऐसा धमाल मचाया, इनके स्ट्रैटेजी ने ऐसा धमाल मचाया कि इनकी चर्चा बॉलीवुड तक होने लगी। रानी मुखर्जी से लेकर और भी कई बड़ी हस्तियाँ इनके खाने की खूब तारीफ़ करने लगी। इनके घर आए वो लोग भी, उन्होंने भी एक्सपीरियंस लिया, और इनका बिज़नेस बहुत फला फुला। द बोहरी किचन काफ़ी फेमस है। साथ ही साथ यह भी बताएं कि चूंकि लॉकडाउन लग गया था उसकी वजह से इन्हें बाकी अपने आउटलेट्स बंद करने पड़े, लेकिन अपने घर का आउटलेट ये खोल रखा है इन्होंने, और महीने में 3-4 डाइनिंग एक्सपीरियंस ये देते हैं ताकि लोग इनके घर पर आएँ और होटल टाइप्स फील भी करें, घर टाइप्स फील भी करें, बाहर का खाना टाइप्स फील भी करें। और ऐसे ऐसे इन्होंने अपने बिज़नेस को फलाया फुलाया, और इन्होंने इसमें ज़्यादा ध्यान देने के लिए अपने गूगल की नौकरी छोड़ दी थी। तो ये थी इनकी कहानी। आगे और भी कहानियाँ हम आपको सुनाते रहेंगे।